सो फ्रेंड्स, टेकन 7 को आज हम टेस्ट करने वाले हैं ग्लिप्स सी 7.1.3 का। तो कंटेनर सेटिंग एक बार चेकआउट कर लो। देख लो यहाँ पे जो DXVK वगैरह है लो रेजोल्यूशन पे सेट किया है, जैसे कि दिक्कत ना हो। परफॉर्मेंस आपको पोको F6 के अंदर देखने को मिलेगा। आपका कोई भी डिवाइस हो ग्लिप्स सी 7.1.3 यूज़ करना है। और हाँ, कंट्रोलर के जो इशू हैं मुझे फेस हुए थे, आपको फेस ना हो इसके लिए उसकी भी सेटिंग बताऊंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ कंटेनर क्रिएट करके जस्ट स्टार्टअप कर लिया। यहाँ पे इतनी मैं सेटिंग करता नहीं हूँ। ग्लिप्स सी जब से आया है तब से मुझे इतनी सेटिंग नहीं करनी पड़ रही है। काफ़ी अमेजिंग अपडेट है, मैंने 2-3 दिन पहले ही अपडेट करके रखा है। तो जिन्होंने भी डेडपूल वगैरह की गेमप्ले नहीं देखी और रेसिडेंट ईविल 3 मैंने काफ़ी सारी गेमप्ले ऑलरेडी करके रखी है, तो उसको एक बार आप चेकआउट कर लो। यहाँ पे मैंने जैसे स्टार्टअप हो गया काफ़ी अच्छी सी FPS मुझे देखने को मिली। इन गेम में भी काफ़ी अच्छी सी FPS हमको देखने को मिलेगी। ये पोको F6 काफ़ी अमेजिंग डिवाइस है, एटेस्ट जेन 3 है, काफ़ी लो बजट के लिए है। 512 GB काफ़ी बढ़िया है, हमको भाई चलो काफ़ी सस्ते में मिल गया। फ्लिपकार्ट से मंगाया था, काफ़ी सारे पूछ रहे हैं कैसे मंगाए। मैंने तो भाई ऑर्डर फर्स्ट टाइम मैंने भी मंगाया था, यहाँ पे इतना कुछ सोचा नहीं था, चल गया, चलो कोई बात नहीं, मिल गया। यहाँ पे देख लो इन मेन्यू में हमको 40 अराउंड FPS, 50 अराउंड FPS मिलती है। इन गेम के अंदर 25-20 अराउंड मिलेगी जो कि प्लेबल FPS है। ऑडियो आउटपुट सब वगैरह काफ़ी बढ़िया है, अमेजिंग है। तो यहाँ पे मैं जस्ट स्टार्ट कर लेता हूँ वन मैच। ये मैं भी फर्स्ट टाइम ही खेल रहा हूँ, इससे पहले मैं क्लाउड गेमिंग में खेलता था। तो विलनेटर के अंदर अभी जो अपडेट है जो काफ़ी अमेजिंग है, तो देख लो यहाँ पे मैं फटाफट से ये मैं आगे बताऊंगा। मैंने यहाँ पे क्या लेफ्ट और राइट का मुझे इशू पता नहीं था। अभी मेरा प्लेयर है जंप अपने आप देगा, यहाँ पे आप गेम प्ले को चेकआउट करके जाना। प्लस इसके सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूँगा कैसे इसको फिक्स किया है। तो देख लो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत गेम प्ले चला लेता हूँ। मैं जैसे ही स्टार्ट करूँगा मेरा प्लेयर अपने आप कूदेगा भाई, जंप अपने आप देगा इस कंट्रोलर के इशू की वजह से। हाँ, इसके अंदर हमको एक एडवांटेज मिलेगा, कैसे उसको यूज़ करना है आपके साथ वही आज शेयर करना है मुझे। तो देख लो काफ़ी सारे जो टास्क हैं उनमें हमको ये काफ़ी सारे इशू देखने को मिलते हैं। अभी हमारा प्लेयर अपने आप जंप देगा, ये एनिमेशन है तो कट सीन जैसे पूरे होंगे हमारा प्लेयर अपने आप कूदेगा। ठीक है, यहाँ पर अपने आप जंप दे रहा है, मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं रहा हूँ। जब जंप पर जंप दिया जा रहा है बस अपना, तो भाई गेम इसने बजा दिया ID ने। मैंने दो टाइम खेला, दोनों टाइम ही जंप था, तो मुझे इसका सॉल्यूशन पता ही था। तो मैंने क्या किया है, आपको यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट करना है। शॉर्टकट क्रिएट करने के बाद आपको मेन कंट्रोलर की सेटिंग देखनी है। यहाँ पे तो जो मैंने रखी थी कंटेनर सेटिंग के अंदर, देख लो यहाँ पे वर्चुअल पैड सेलेक्ट करना है हमको, दो यहाँ पे सेटिंग करनी है, दोनों पे चेक कर लेना है। और ओल्ड जो गेम पैड है उसको आपको एक ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर ही, देख लो यहाँ पे आपको अनचेक होगा, चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको लेजेंसी पे ओल्ड गेम पैड पे क्लिक करना है, फिर आपका इशू जो है फिक्स हो जाएगा। अभी आपको आगे गेम प्ले देखने को मिलेगा। मैंने भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही इतना ऑफलाइन में खेला है, तो आप गेम प्ले के परफॉर्मेंस को जरूर से चेकआउट करके जाना। बाय फ्रेंड्स। Round 1. KO. Round 2. Fight. Get ready for the next battle. Round 1. Fight. KO.
Round two. Fight. KO. You win. Young Jasu, Ball Eagle. Get ready for the next battle.